अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और जी सब लोग जानते हैं हरिमोहन जी को, अपने थैंक यू आरजी, आपने बुलाया। थैंक यू सर, टीचर भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और इनके यूट्यूब चैनल जो हैं उससे हम बहुत कुछ जो है हमें न्यूज के बारे में भी पता लगता है और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा, रोहित जर्नलिस्ट हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। रोहित का भी अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत शुक्रिया रोहित कि आ जा पाए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं रोहित आपकी तरफ ही चलूंगी। डॉक्टर जयशंकर इटली गए हैं और वहां से आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक क्लिप भी दिखाया था, कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं उनके इस विजिट को? जी सर, हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन रहा है इंडिया के लिए और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के लिए। G7 आप जाते हो तो वहां पर बड़े कंट्रीज बैठे होते हैं, आपका ट्रेड की बात हो जाती है, और खास तौर से एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया यूरोप और मिडल ईस्ट कॉरिडोर हमारा सामने है। आज जयशंकर साहब ने इस कॉरिडोर पे बात भी की, तो हम लोगों की जयशंकर साहब ने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोली है वहां पर। एक ये बोली है कि हम चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में शांति हो जाए, और हम टॉप लेवल पे बात करते रहे हैं रशिया और ईरान और इस्राइल के बीच में टॉप लेवल पे। ये एक बड़ी चीज है कि अगर इंडिया टॉप लेवल पे इन्वॉल्व रहा है, दैट मीन्स नेतन्याहू और खोमेनी दोनों से बात हुई है, दैट मीन्स इंडिया हैज बीन डूइंग प्रीटी गुड। दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये बोला कि हम वॉर के साथ नहीं है, हम चाहते हैं कि पीस आए जल्दी से जल्दी। तीसरी चीज उन्होंने ये बोला कि मेडिटेरेनियन जो है वो $80 बिलियन का हमारा मार्केट ट्रेड है हमारा मेडिटेरेनियन से हमारा, तो वो और यूरोप में हमारा एक बड़ा डायस्पोरा रहता है। ये सारी चीजें जो उन्होंने बोली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। उन्होंने बोला कि हम बहुत सारी चीजों पे फॉस्फेट्स पे इस पे उस पे बहुत सारी चीजों पे हम यूरोप से ट्रेडिंग करते हैं। अगर देख उनका एक बड़ा स्ट्रेस उस कॉरिडोर पे था, जो कॉरिडोर मिडल ईस्ट इंडिया आई मीन बोलते हैं उसे इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर और यूरोप कॉरिडोर, वो उस कॉरिडोर पे उनका एक बड़ा स्ट्रेस था। क्यों स्ट्रेस था? क्योंकि वो एक कॉरिडोर है जो कि कहीं ना कहीं चाइना के कॉरिडोर को काट रहा है। अगर वो कॉरिडोर, क्योंकि एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला सिर्फ वही रीजन है वो मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, वो अगर उस रीजन हम ऐसे देखते हैं कि अगर वो रीजन हमारे कंट्रोल में या हमारे फेवरेबल हो जाता है, कंट्रोल में तो घर किसका कौन सा आएगा, तक फेवरेबल हो जाता है तो इट्स गोइंग टू बी सुपर, पहली चीज। दूसरी चीज इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी कि हमारा हमें यूरोप से फायदा होगा, हमें मिडल ईस्ट से फायदा होगा, एंड चाइना विल बी कट ऑफ फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में इंडिया और चाइना एक बहुत इंटेंस वॉर लड़ रहे हैं। एक जमाने में जो वॉर सोवियत यूनियन और अमेरिका लड़ते थे, बट सोवियत यूनियन और अमेरिका की वॉर और इंडिया और चाइना की वॉर में बेसिक डिफरेंस है, मतलब उसी इंटेंसिटी की वॉर तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इनकी वॉर कैसी थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका की वॉर कैसी थी? आपने कांगो से पेट्रोस लुमुम्बा को हटा दिया, अपना आदमी बिठा दिया, एबियोला बिठा दिया, या फिर आपने दूसरे नाइजीरिया में अपना आदमी बिठा दिया, आपने नाइजीरिया के मैंने बता दिया, कांगो में अपना आदमी बिठा दिया, एंगोला में आपने रिवोल्ट करा दिया और अपना आदमी बिठा दिया, गवर्नमेंट चेंज की वॉर थी वहां पर। अब बात करें तो इस समय इंडिया और अमेरिका, इंडिया और चाइना जो वॉर वहां लड़ रहे हैं वो डेवलपमेंट की वॉर है, वो फंडिंग की वॉर है, वो इन्वेस्टमेंट्स की वॉर है, और इंडिया कुछ उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिस तरीके की चाइना करता है। चाइना डेट ट्रैप में, कर्जे के ट्रैप में, जिस तरीके से पाकिस्तान कर्जे के ट्रैप में है उस तरीके से कर्जे के ट्रैप में अफ्रीका को डालने की कोशिश कर रहा है। इंडिया वहां से वहां पे एक्चुअल में हॉस्पिटल्स बना रहा है, रेलवे लाइंस बनवा रहा है, हाईवेज बना रहा है, तो जहां एक बार इंडिया एंट्री मारता है वहां चाइना की पोजीशन खराब हो जाती है। टोटली बाहर नहीं निकलता लेकिन चाइना की पोजीशन खराब हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। वी हैव सीन दिस इन श्रीलंका, कि इंडिया ने ही श्रीलंका को चाइनीज कर्जे की वजह से डूब रहा, इंडिया ने ही बचाया उसे। हम लोगों ने फिर देखा कि मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन था, मोइजू आज इंडिया से ही कर्जा मांग रहे हैं।
बांग्लादेश को चाइना ने बर्बाद करने की कोशिश की, हमने इंडिया ने ही बचाया उसे, तो इंडिया उस तरीके से एंट्री मार रहा है। तो हम अगर ये कट करते हैं एशिया और अफ्रीका का लिंक वाया मिडल ईस्ट, तो ये हमारे फायदे में है, प्लस यूरोप के फायदे में है, प्लस अमेरिका के। जी यूरोप एक ऐसा नेटो एरिया है यूरोप, और उधर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है जिसमें इंडिया एक मेजर रोल कर प्ले कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखें तो इंडिया का जो सपना है ग्लोबल साउथ, वो यहां पर कहीं साकार होता है देखता है। बिल्कुल सही, लेकिन बात सारी यही मैं आपसे भी पूछूंगी हरिमोहन जी, कि आप इस G7 को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक डायलॉग किया जाता है, बात की जाती है, उसके आगे इम्प्लीमेंट होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। अगर पीस की भी बात की जाए तो अभी तक जो मेन कंट्रीज आपस में लड़ रही है, चाहे वो इसराइल हमास हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, कहीं पे भी अभी तक वॉर रुकनी तो दूर की बात है, कम होता हुआ भी जो है वो स्ट्रेस या टेंशन कम होती दिखाई नहीं देती। आप क्या कहेंगे? आरजू जी थैंक यू आपके चैनल पर, एक रेपुटेड चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। देखिए आरजू जी, सीधे से आपको एक बात बताऊं कि 5 या 7 बड़े कंट्रीज और उनके हेड ऑफ द स्टेट या फॉरेन मिनिस्टर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी हैं और सबसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ साथ पावर्स भी हैं, अभी नहीं तो पुरानी पावर्स तो हैं ही, आजकल उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कई हो गए खराब हो रखे हो, कोई बात नहीं, लेकिन G7 कंट्रीज हैं जिसे G7 कहा गया। आप एक दिल से पूछ कर देखिए अपने, या दुनिया अपने दिल से पूछ कर देखे, क्या ये 5 कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट, क्या वो इतने ठाली, हमारे यहाँ ठाली कहते हैं खाली, आके कोई काम है नहीं, को वो बंदे एक जगह पर 2-3 दिन बैठे और बैठकर चाय पिए, ताश खेले और मिल के बस वापस आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? मेरा पॉसिबल तो नहीं है सर, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा ना होता हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, क्योंकि एक अनऑफिशियल सा ग्रुप है, कोई है मतलब हेड ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आके दुनिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या कम से कम ऐसा कुछ कि इस सारी प्रॉब्लम में हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, या हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं या दोबारा से पावरफुल बना सकते हैं, एक सिंपल प्रोसेस। आरजू जी ऐसी जब डिस्कशंस हो रही होती हैं तो इतना समझ लीजिए कि वो ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई वहां बम मार दो, वहां गोला बारूद मार दो, वहां कुछ कर दो, असलियत में इन्होंने डिस्कस करना होता है, इन्होंने डिस्कस करना होता है बिजनेस, इन्होंने डिस्कस करनी होती है स्ट्रेटेजीज, आने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स। जैसे अगर हम COP26 के, अभी COP29 होके आया जिसके अंदर हमने $1 trillion मांगे हैं, मतलब आपके प्रधानमंत्री $6.3 trillion की बात करके आए हैं, उन्होंने पर एनम $300 billion ऑफर किया है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि $1.3 trillion पर एनम होगा तब जाके कुछ बात बनेगी, यहाँ आपको खुश होना चाहिए कि जितने आपके प्रधानमंत्री बोल के आए उतना ही फिगर, बस थोड़ा डिवाइड करके मोदी जी ने बोल दिया, भारत ने बोल दिया कि भाई हमें इतना अमाउंट चाहिए इसको मतलब क्लाइमेट चेंज में। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का आइडिया सबसे पहले अगर जनरेट होता हुआ नजर आया तो वो G7 में नजर आया। अगर इसी तरीके से आप देखते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज, चाहे आप WTO की बात कर रहे हैं, चाहे गैट को हटाने की बात कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी, ये सारी की सारी दिमागी उपज अगर किसी की है तो G7 कंट्रीज की है। अच्छा एक चीज और, जब ये कंट्रीज कहीं बैठकर मिलते हैं, चाहे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले हो गए, चाहे G7 वाले हो गए, आप देखेंगे दुनिया में भले ही एक ग्राउंड लेवल पर बदलाव आए या ना आए, लेकिन रीशफलिंग एकदम से होना शुरू हो जाती है दुनिया के, खासकर ट्रेड सिनारियोज में या फिर स्टॉक मार्केट में और हर चीज में, और ये चीज आम आदमी को या बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर खड़े हुए आदमी को समझ में नहीं आती, ये चीज समझ में आएगी उन लोगों को जो एक लेवल से ऊपर है, और वो उस बारीक चेंज को जो आम आदमी में भले ही ना दिखाई दे रहा हो अभी, जो आगे आने वाले 10 साल में दिखाई देगा, लेकिन एक आम आदमी को वो सब चीजें नहीं समझ में आ रही, लेकिन उस आदमी को समझ में आ रही है जो एक अबव द नॉर्मल है,
यानी एक एवरेज पर्सनैलिटी से थोड़ा सा भी ऊपर है वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान दे रहा है, उसे समझ में आ जाएंगे। एक मूवी है, बड़ी अजीब सी मूवी है, इंडियन बहुत, मतलब अच्छी नहीं है लेकिन चलो ठीक है, लेकिन उस मूवी के अंदर आपको एक पूरी मूवी अगर बैठकर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। एजेंट विनोद मूवी है, स्टार्ट होती है एक इंटरव्यू से और एक एंड होता है वो इंटरव्यू देने वाले की डेथ से। इस पूरी मूवी को देखेंगे तो असलियत में G7 कैसे काम करता है, या ये जो सो कॉल्ड डीप स्टेट ये कैसे काम करता है, वो हमें और आपको समझ में आएगा, उसी को आएगा जो कि मतलब उस मूवी को इस लेवल पर सोच पा रहा है। मैं एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप जिस G7 की मीटिंग की बात कर रहे हैं, इस G7 मीटिंग्स के अंदर या G7 के अंदर चाहे हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स मिले जो कि अभी जून में ही मिले थे, या फिर वो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले जो अभी मिले हैं, ये लोग दुनिया में आने वाले चैलेंजेस को, दुनिया में आने वाली प्रॉब्लम्स को सोच रहे हैं। उसमें रोहित जी ने बिल्कुल सही बताया चाहे वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो, जिसमें अमेरिका, अभी अभी मैंने खबर पढ़ी है कि अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देने की या न्यूक्लियर मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। अभी ये खबर कंफर्म नहीं है लेकिन जिसके पोर्टल पे मैंने देखी है, उस पोर्टल के ऊपर पढ़ के मैं भरोसा कर सकता हूं कि कुछ तो हुआ है, भले ही वो न्यूक्लियर मटेरियल ना दे दे लेकिन कुछ तो ऐसा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे डर लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मामला बहुत खराब होने वाला है। शो के बाद मैं ये वाला कंटेंट आपसे शेयर कर दूंगा, एक बात। दूसरी बात, यही चीज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, जैसे यूरोप के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाइना जो है वो दुनिया का वर्कशॉप बनता जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल में 2 साल पहले एक चाइनीज शिप, हैवी शिप फंस गया था और बुरी तरीके से फंस गया था और पूरा का पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी हुतीज ने जिस तरीके से पूरा का पूरा रेड सी ब्लॉक कर दिया, उसका अल्टरनेट डेवलप करने के लिए IMEC की बात रोहित जी ने की, इंडिया उसी का अल्टरनेट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ईरान के अंदर रजीम चेंज की भी बात पॉसिबली वहां पर हो रही होगी। पाकिस्तान के मामले में भले ही ओपन डिस्कशन ना हुआ हो, शोर ना मचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सिचुएशन जो कि चाइना वर्सेस अमेरिका पाकिस्तान में नजर आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही होगी। तो यहां पर सबसे पहली बात, उस G7 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पहले तो हेड ऑफ द स्टेट यानी प्राइम मिनिस्टर का बैठना, हेड ऑफ द स्टेट वैसे तो प्रेसिडेंट है लेकिन चलो एग्जीक्यूटिव हेड का वहां जाना, और उसके बाद यूं कहें कि फॉरेन मिनिस्टर का वहां बैठना, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया जिन चैलेंजेस की तरफ बढ़ रही है वहां उस डिस्कशन में इंडिया एक पार्ट है और सिंसियरली उसको मतलब जाकर डिस्कस कर रहा है। और अभी तो देखो मेरे को कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट यहां नजर नहीं आया, वही सारी घिसी पिटी बातें हैं और मैं अभी उसमें कुछ ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को ऐसा प्रॉपर लगता है कि जितना एक बॉइलिंग सिनारियो इस दुनिया के अंदर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उस बॉइलिंग या जैसे कहते हैं हीटेड सिनारियो के अंदर खाते बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हों, लेकिन वो इसी तरीके का मैसेज कन्वे ना कर दे और दूसरे उस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना कर लिया जाए, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। और यही एक सबसे बड़ी बात है, वो क्लाइमेट चेंज वगैरह तो ठीक है यार, होता रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन साथ ही साथ मैं तो खैर हमेशा से यही समझने की कोशिश करती हूँ कि इसमें से कुछ रिजल्ट भी निकले और हमें कुछ होता हुआ भी दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस ना हो, चाहे वो G7 या कोई सी भी समिट हो। लेकिन रोहित आपकी तरफ आऊंगी, चाइना को लेकर भी भारत और चाइना में भी बातचीत चल रही है और अभी राजनाथ सिंह साहब की भी स्टेटमेंट आई है और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, उनसे भी उनकी बात हुई है। तो चाइना भी खैर काफी इंटरेस्टेड लग रहा है भारत के साथ बात करने में और भारत की तरफ से भी जो है वो वेलकम ही किया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि ये बॉर्डर जो है उस पे जो टेंशन बनी हुई है चाइना के साथ वो खत्म हो उससे, मगर पाकिस्तान को कहीं बीच में रखा है आपने कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे, इसलिए कि ये बॉर्डर भी तो पीसफुल होना चाहिए। अच्छा, मतलब शादी में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और एक आदमी बीच में आके बोलता है मैं कहां हूं, ये बराती बराती इंडिया और चाइना बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बीच में बात कर रहे हैं। नहीं, आप चाइना और इंडिया के बीच में तो पाकिस्तान को निकाल नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये आप
समझने की कोशिश कह दिया। आरजू जी आप लोग फालतू में मतलब अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ रहता है पहले ये बताओ। सर अच्छा रहता है ना, मतलब हमारे बगैर तो कोई फंक्शन होगा नहीं कंप्लीट, तो किसने कह दिया कि आपके बिना कोई फंक्शन नहीं होगा। घर में फूफा बने बैठे रहते हो, कोई नहीं पूछता। और बूढ़ा फूफा क्या आपसे पूछते तो इतना डेवलपमेंट भी हो जाता जितना हो गया है। बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, वो भी नहीं हो पाता। हमारी वजह से हो रही है, हमारी वजह से। हमने चाइना को घुटने पे ला दिया, उसके पैसे सारे खा गए हम, उसके पास दूसरी कोई जगह नहीं रही सिवाय इसके हाथ में लाने के। क्या बात कर रहे हो आप। हाँ ये बात तो आपने सही बोली। इसके लिए हम आपके इतने शुक्रगुजार हैं, इतने शुक्रगुजार हैं कि मतलब क्या बताएं। पाकिस्तान को टॉफी में भेज दूंगा। हाँ उसमें दो तीन बिलियन टॉफी के अंदर $2-3 billion की टॉफी भेजिएगा। 2-3 billion की टॉफी। हाँ उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, रेट तो हम छाप देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जितना छपा लो क्या चाहिए। मतलब आरजू कितने कंफर्टेबली कहती है कि भाई जरा सी बात करो और $2-3 billion तो दे ही दो यार प्लीज। अच्छा आरजू वैसे एक बात बताओ, इन शॉर्ट अगर मान लिया आपका जो टोटल कर्जा है वो $300 billion के आसपास का हो चुका है, जहां तक मुझे पता है, अंदाजा है क्या कुछ है। मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर कोई आकर वो $300 billion भी दे दे तो भी आप अगले एक साल में $300 billion दोबारा कर्जा ले लोगे। सर एक साल तो अच्छा निकलेगा ना। कितनी दूर की सोच है आपकी, एक साल तो अच्छा निकलेगा उसके बाद। नहीं आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं हमारे बारे में। जरूरी तो नहीं है ना कि वो एक साल के बाद फिर हम उधर ही खड़े हो जहां आ जाए। हाँ मेहनत करेंगे। हमारा हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता है मांगना, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी पार्लियामेंट में ये बात है करीब 30-40 साल पुरानी, कि पार्लियामेंट में फिगर्स दी गई कि जी पहले 50 लाख, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, कि पहले 50 लाख बेरोजगार थे और अब 70 लाख बेरोजगार हैं। तो एक एमपी उठे, अच्छा तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो पूरा कंट्री बेरोजगार करने में कितना टाइम लोगे। वो सिचुएशन बताइए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है कर्जा मांगने में, कितनी मुश्किल से उनको राजी करना। अभी बेलारूस के लोग आए और कहा ये जा रहा है कि वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, और मुझे यूट्यूब पे लोग बेलारूस इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ इतने ही हैरान बाकी के लोग भी हो रहे हैं जितने आप हुए हैं। तो अगर हम बेलारूस आप भी कंगले हैं, वो कंगला कंगले इन्वेस्ट करेगा, तो अब ये अंदाजा लगाइए अगर वो इन्वेस्टमेंट करने यहाँ आ रहे हैं तो हम जो पैसे वाले उनसे तो निकालने में और काम आसान है। और वो भी 68 लोग लेकर आए, 68 कल पहुंचे थे और उनके प्रेसिडेंट भी आ गए हैं, और पता नहीं उन्होंने घर पे किसी को छोड़ा भी है कि नहीं, इतने लोग लेके तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। Hope for the best. जेलिस हो रहे हैं आप दोनों, जेलिस होते रहते हैं मुझे यहाँ तक आप लोगों के जलने की मुझ पे लगती है। हम क्यों जलेंगे, हम तो खुश हो रहे हैं कि अच्छा है 10 साल के तुम्हें एक और मुर्गा मिल गया 5 साल के लिए। नहीं 2 साल भी चल जाए तो बहुत है। कितनी ईमानदारी से आरजू कह रही है, फिर कह रही है हम जल रहे हैं, हम थोड़ा ना जल रहे हैं। दो अच्छा दो साल एक चीज पूछना चाह रहा था, वो सोमालिया से भी कोई इन्वेस्टमेंट क्या आया कि नहीं? नहीं अभी उनको कांटेक्ट नहीं किया हमने, कर लेंगे उनको भी कर रहे हैं कांटेक्ट। हाँ बेलारूस में तो लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं यूट्यूब पे आके, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया उनके पास, कुछ होगा जब ही तो आए हैं ना इन्वेस्टमेंट करने, ऐसे ही थोड़ी आ गए। उसने वो बात करने आ गए इन्वेस्टमेंट पे। हाँ उनके बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो ऐसा होता है, वो नॉर्मली जब लड़के की शादी की उम्र आ जाती है तो बातचीत तो बहुत जगह चलती है, शादी तो एक ही जगह होती है ना, तो वो ठीक है। आज भी परेशान तो कब हो गए बेलारूस वाले, उधर से उड़ के इंडिया आ गए।
फिर वो गालियां हो गई। लोग मुझे कह रहे ये तो खुद कर्जों में चलते हैं, ये कहां से आ गए। मैंने कहा बस आ गए ना, उनका मसला उनका प्रॉब्लम है, हमारा तो नहीं है ना। वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी, हमने तो इन्वेस्टमेंट करवा नहीं। पता लगे इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो आपकी कंट्री में आए, मतलब 2-4 बिलियन डॉलर की मिठाई विठाई खा के चुपचाप निकल लिए, और तुम यहाँ आते रहे वो इंतजार करते रहे कि आएंगे डॉलर, आएंगे डॉलर, आएंगे। एमओयू साइन करेंगे ना, मैंने कहा पहले पैसे ले लो, एमओयू बाद में साइन करवाना इनसे। नहीं बिल्कुल ठीक है रोहित जी, आप कुछ कह रहे थे। यूरोप का एक ऐसा कंट्री पकड़ा गया है जो ना कि नेट, जो ना तो नेटो का पार्ट है और ना साला ईयू का पार्ट है, दोनों में हम लोग, आप दोनों ने अगर हमारा हमारे मतलब इसी तरीके से हमारी मजाक उड़ानी है तो टॉपिक पे आ जाइए जो हम बात कर रहे थे चाइना की, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी इस चीज के ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ जेलस हो रहे हैं सुनकर के पहला रूस जैसा कंट्री हमारे आया है। उस जेलस में मेरे और रोहित के बाल उड़ गए हैं। नहीं नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया ना और 2 साल आपके पास इन्वेस्टमेंट करता रहा तो वो उसका नाम बेलारूस, बी की जगह पी हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। इतना फेल हो गया उसको। नाराज हूँ आप लोगों से, 2.5 किलो नाराज हो गई हूँ मैं। और उसी टाइम पे सारे रास्ते बंद हो गए, मतलब इतना इतना हाई प्रोफाइल आदमी आया कि सारे रास्ते ही बंद कर दे, कहीं भाग न जाए। तो मतलब सोशली बात है, इनको उसकी भी टेंशन हो रखी है कि उसको कोई ना मार डाले। अरे वो दुनिया को मार देता है भाई, पनौती वो है। अरे नहीं नहीं वो नहीं, उसको कोई नहीं मार रहा भाई, क्या हो गया। आप लोग ना बस ऐसे इसी तरह की बातें करने की वजह से आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे पाकिस्तान से, चीखा करेंगे हम प्रोग्रेस। ये देखे देखे ये आया गंजा तो ये भी है। शाबाश शरीफ जो चिपक के खड़ा है ना, उसे गोद में बैठने वाला है अभी। देखे अच्छा खासा खाते पीते फैमिली का बंदा लग रहा है मुझे, इतना चौड़ा है तो आपको लग रहा है कि इनके पास पैसे नहीं। वैसे जो वर्ड यूज करते ना बार बार, खाते पीते साथ साथ सबसे ज्यादा भुखमरी उन्होंने ही देख रखी होती है। खाते पीते घर का मान जाते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। नहीं ये है ठीक है, अब उधर का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी यही होगा तो दिखाने के लिए सैमसंग भेज दिया होगा। प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट है, क्या हो गया। हाँ लुकाशेंको है, लुकाशेंको के साथ साथ में जिस तरीके चिपक पड़ा हुआ है शाबाश शरीफ, एक बार उसको देखो तो सही, फोटो दिखाओ एक बार जरा। भाई वो फ्रेम में नहीं आ रहे होंगे ना दोनों, वो चौड़ा बहुत है, फ्रेम में नहीं आ पा रहे होंगे। बस ये ऐसा लग रहा है कि गोदी बैठ जाए उसकी। नजदीक हो जाओ नजदीक हो जाओ, फ्रेम में नहीं आ रहे, वो हुआ होगा। नहीं कभी ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साइड में खड़ा हो और उसकी जेब टटोल रहा है, कुछ 1-2 बिलियन है भी है तो हमें बस चाय पकौड़ी खाने आ गया हमारे पास। ये राक एजेंट लग रहे इस वक्त। अभी आपका एक वीडियो जो मैंने आज अपलोड किया वहां किसी ने लिखा कि हरिमोहन जी कहां भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मैंने वहां लिखा, मैंने कहा कौन सी एंगल से मैं भैंस लग रही हूँ, तो लेकिन ये किसी ने लिख दिया था। और वो ने कर दिया कोई तो मैं आरजू ने कन्फर्म कर दिया कोई तो मैच है, हद है आरजू के, क्या लिखने की जरूरत थी। आप मुझे मार करने से सिचुएशन है, आपको नीचे लिखना चाहिए था हरिमोहन जी को भैंस बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। बस वो तो हरिमोहन बीन बजा रहे थे ना, वो तो बीन बजा रहे थे ना, वो भैंस तो मुझे बोला था, मैंने कहा मैं कौन सी एंगल से भैंस लग रही हूं, तो बुरा आरजू को लग गया। हां मैं तो माइंड कर गई, उसको लिखने का तरीका होता है ना, पहली चीज तो मेरा नाम हरिमोहन नहीं है, दूसरी चीज वो सामने वाला भैंस नहीं है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, उधर ना दिमाग के अंदर सबसे पहला इंप्रेशन जो जाए ना रियलिटी में वही वाला माना जाता है। आरजू को तो मान लिया कि आरजू को भैंस कहेगा। मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ इस चीज में, मुझे कोई बकरी भैंस ऐसा कुछ बोले ना
रिमाइंड कर जाती हूँ। लेकिन रोहित आप चले जाइए चाइना, आपको इजाजत है, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, चाइना तो मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी जाऊंगा तो बता के जाऊंगा। वहां पे वो रहते हैं कुछ, क्या नाम अपने, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग का इंडियन वर्जन रहता है अपना कॉफी। हाँ कॉफी, तो मैं उनको बता के जाऊंगा, उनके घर पे एक ठहरूंगा और घूम घाम के आऊंगा, बढ़िया जगह है। अब ऐसे पता लगे जैन साहब के घर में तुम्हारे को वहां बत्तख कटी हुई मिली है, वो बत्तख नहीं चमगादड़ रखा हुआ मिला है। अभी कुछ दिन पहले जो था वो जैन साहब के साथ शो किया था, उनके घर कुछ इंडियंस गए हुए थे और वो उनको भर भर के बुरा भला कह रहे थे कि मुझे उनको लेके फिरना पड़ रहा है, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। फिर रोहित को भी ऐसे ही बोलेंगे वो। अच्छा एक चीज मैंने अभी देखा, अभी देखी वो, कि बेलारूस की जीडीपी जो है 221 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की इससे ज्यादा, उससे भी ले रहे हो यार, बताओ यार। यार बस करो बेलारूस, मैं ये एडिट कर दूं कि अच्छा अगर अभी एक, एक किसी दौर में से एक ने भी अगर बेलारूस का नाम लिया तो अच्छा हमारे मेहमान है वो, ये क्या बात है। और कम पैसे वाले भी आके हमें दे सकते हैं, हमने कोई पाबंदी तो नहीं लगा रखी। अगर किसी के पास हमसे कम पैसा तो हमें कोई भी दे सकता है, इसमें क्या है। भीख कोई भी दे सकता है सर, भीख नहीं बोलते उसको, ठीक है ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हमारी जबान में। जैसे आपने देखा ना टीटीपी का नाम हमने बदल दिया है, टीटीपी को तहरीक तालिबान पाकिस्तानी कहते हैं अब, फितना ख्वारिज। वो खुद हैरान है एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, यार ये नाम बदल दिया हमारा। तो ऐसे ही आपने जो ना उसको डोनेशन फितना को वो आपस में दूसरे से टीटीपी वाले आपस में कहते हैं अबे ये कौन है फितना ख्वारिज, कहते तुम हो, कहते नहीं तुम हो, वो कहते ये क्या नया तमाशा पाकिस्तान ने किया है। तो वो हमने सोचा टीटीपी यार अच्छा नहीं लगता, बार बार इंडिया कह देता है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानियों ने बनाया, इसका मतलब जब भी टीटीपी नाम है तो हमने नाम ही बदल दिया, फितना उल ख्वारिज बोलते हैं हम, लिखते भी वही टीवी पे। इतने चार छह दिन के बाद तो मैंने बोलना सीखा कि इसको बोलते कैसे, फितना उल ख्वारिज, ठीक है। तो वैसे नाम ही बड़े तगड़े वाले उठा के लेके आते हैं, वो जो मैंने सुना था ना जज्ब ए अर्ज़ समथिंग कुछ और उसके अज़्म ए इस्तकाम। हां अज़्म ए इस्तकाम, अरे भाई साहब इतने फैनफेयर के साथ, मतलब वो तो बिल्कुल एक मूवी आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, कई महीने तक प्रमोशन चली साला 3 दिन इतने दिन का प्रमोशन हुआ आदमी इंस्टाग्राम का, लेकिन वो गया कहां मुझे तक समझ नहीं आई। यार ये नाम बड़े छांट छांट के लेके आते हैं, कई दिन तो नाम को याद करने में निकल जाते। हाँ मुझे खुद समझ में नहीं आते। इससे पहले ज़र्बे अज़्म भी पता नहीं कब खत्म हुआ, पता ही नहीं चला, मतलब ये बहुत बढ़िया। अच्छा वो अज़्म इस्तेकाम चल भी रहा है 50 साल, सीक्रेट मिशन था ना वो, मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, अजीब बात कर। सीक्रेट मिशन कोई ऐसे थोड़ा ना था जो वॉशरूम में जाके अपना सीक्रेट वो मतलब गैस वैस निकाल के आ गया बंदा और कहां कहां में सीक्रेट हो गई, ये क्या बात है, बता बता के जाएंगे तो भाग नहीं जाएंगे, जिनको मारने के लिए जा रहे हैं उनको पहले से अनाउंस कर देंगे हमारे। जो ढोल बजा के उसके साथ फोटो वोटो खिंचवाने की, शाबाश शरीफ शाहरुख खान की तरह चल रहा है, ये बकवास करने की क्या जरूरत थी, इतने मिशन हमारे चलते हैं हमारी सरकार के, सरकार के किसी को पता ही नहीं लगता। किसके साथ सीक्रेट रखे, टीटीपी के साथ सीक्रेट कह रही हूँ ना इसके, ये जो आए हुए हैं क्या बताई दिया है कि यार हम ये मिशन चलाने जा रहे हैं, और वो लोग कह रहे अच्छा तुम आओ तो सही, और पता लगे वही तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़े हैं, इस्लामाबाद बंद करवा दिया उन्होंने। नहीं नहीं हमने नहीं बताया उनको कि हम चला रहे, हमने सिर्फ कहा हम प्लान कर रहे, प्लान कर लिए बता दिया, तो कोई बात नहीं मीडिया से लीक हो जाती खबरें, ऐसी क्या बात है, छोड़े ना आप लोग, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आप लोग, छोड़ दे फितना। हाँ वो अच्छा एक चीज और है, अब तो वो टीटीपी वाले भी आपस में ऐसी बात करते होंगे ना, यहाँ पे वो खारिज जा रहे हैं, यहाँ पे वो खारिज जा रहे हैं, और टीवी पे भी यही लिखा जाता है, टीवी पे भी यही लिखा जाता है। आप लोग मैं खुद एक दो बार जब न्यूज अभी भी आती है मैं सोचती हूँ किसकी बात कर रही है, फिर मुझे याद आता है ओहो टीटीपी, अच्छा टीटीपी की बात कर रहे हैं हमारे। हमने यार लोग नाम नहीं बदल देते थे बाद बच्चों के, हमारे अभी भी बाद बच्चों के नाम बदल दिए जाते हैं, बच्चा अच्छा खासा 4-5 साल का हो जाता है तो माँ बाप को लगता है कि इसका नाम सूट नहीं कर रहा, तो नाम बदल के पेपर में ऐड दे देते हैं कि अब इसको ये पुकारा जाए, मुझे लग रहा है उसी तरह का कोई काम हुआ है। वो नहीं वो हमारे यहाँ दिल्ली में बस चलती थी रेड लाइन, उसके बड़े एक्सीडेंट हो गए तो नाम चेंज कर दिया ब्लू लाइन, एक्सीडेंट हुआ तो ग्रीन लाइन कर दिया।
कांग्रेस सरकार पता क्या करती थी, उसने एक ऐसे काम किया, वो रेड लाइन है ना इतनी खतरनाक थी, वो मतलब है ना हर रोज दो चार बंदे मर रहे थे, सरकार के अबे बेवकूफों उनके ड्राइवरों के साथ प्रॉब्लम है, बस चलाने वालों के साथ प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं देखेगा, ना ना इसे ब्लू लाइन कर दो, सबके ऊपर ब्लू लाइन और सारी चीजें ब्लू करके घूम रही है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा था ना, हर दूसरे इंडियन टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे लोग जो बैठ के आप जैसे लोग वीडियो बनाते हो कहते जी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान ने खुद बनाई है, पाकिस्तान ने का नाम ही बदल दो, किसी कंट्री का नाम ही ना लगे, तो बस फितना उल खारिज रख दिया नाम, अब ढूंढते रहिए इसके अंदर के किसने बनाई है। ठीक है, आप बहुत चालबाज हैं, इसमें हमले मन वो हो गए और इससे आपके आपके यहाँ पर टीटीपी वालों के हमले भी बंद हो जाएंगे। हाँ अब वो तो नहीं करेंगे, फितना खारिज करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या बात है, ये लॉजिक है रोहित भैया, अब समझ में आया ना कि उसका टीटीपी के हमले बंद हो जाएंगे, वो फितना और खारिज वाले करेंगे, ये हाँ। हमले में तारीफ करनी पड़ेगी, मजा आ गया सुन के, मिशन सक्सेसफुल होगा ना, मिशन सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल किसका, सक्सेसफुल एंड ऑफ टीटीपी। एक बात, एक एक चीज मैंने देखी है सबसे बढ़िया चीज, कि कुछ भी हो, फितना हो, टीटीपी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, दो भी हो, लेकिन इसका ये वो लड़ाई है जिसमें एंड हमेशा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस साइड से कोई मरे तो भी जन्नत ही जाता है, और इस साइड से कोई मरे तो वो भी जन्नत ही जाता है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान को भी अपना नाम बदल देना चाहिए। अगर आप नाम बदल देंगे तो जितने लोगों से, जितनी कंट्री से हमने लोन उठा रखा है, कहेंगे जाके पाकिस्तान से मांगो, हम तो पाकिस्तान है ही कोई नहीं, हमारा नाम तो हमने कुछ और रख दिया, तो वो उसके बाद वो ढूंढ ढूंढ के ख्वार हो जाएंगे, पाकिस्तान उन्हें मिलेगा नहीं, ना मैप के अंदर मिलेगा और ना वैसे मिलेगा, क्योंकि नाम हम बदल चुके होंगे। तो इसलिए मैं भी कह रही हूँ कि बेलारूस की तरह कुछ बेला कुछ और करके, बेला चमेली कुछ और इस तरह का कोई नाम रख दे, और बस उसके बाद कर लो जो करना है, लेके साइन तो पाकिस्तान के उस पे हुआ है ना, पाकिस्तान का नाम ही बदल जाएंगे तो उसका बाप पैसा नहीं ले सकता हमसे, कंट्री का नाम रखो, पैसे कौन सा किसी का बाप पैसे ले सकता है तुमसे। नहीं बात तो ठीक है ना, लेकिन दावे तो करते रहते हैं ना ऐसे खामखई छुड़ाने के लिए, बोलते रहते हैं भेज दो भेज दो, तो वो भी बंद हो जाएगा ना, दे तो हम फिर भी नहीं रहे, सुन के फोन बंद कर देते हैं, लेकिन एक बात है कह देते हैं हमारा वाईफाई नहीं चल रहा। कंट्री का नाम रखो मांगिस्तान, हम मांगिस्तान से हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कोई अच्छा सा नाम रखेंगे, मांगिस्तान का क्या मतलब है जी, ठीक है कोई अच्छा नाम रखेंगे हम, कोई अच्छा मॉडर्न सा नाम रखेंगे जिससे उनको ये भी समझ में ना आए कि ये यूरोप है या ये एशिया है, ये है किधर ये कंट्री, वो नाम रखेंगे, उसके बाद देखिएगा ऐसे ऐसे चैंपियन काम होते हैं हमारे। और जितने लोग जो डेलीगेशन जाए ना इन्वेस्टमेंट लाने, तो उनको बोलना कि मांगे राम तो रखना ही है, नाम नहीं है रखना, ये अच्छा नाम रखना है, मैं ये बोल रही हूँ रोहित, मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगी आपको शो में से, अच्छा अगर आपने कोई गलत बोला, मैं कह रही हूँ कोई अच्छा नाम बताइए ताकि वो ऐसा लगे कि हम यूरोप में हैं, हमें एशिया तो बताएं, नाम तुमने रखना है, हम जो तुम कहोगे वो बोल लेंगे, रखो तो सही तुम आइडिया तो दे सकते हैं ना एज अ फ्रेंड, आइडिया कोई अच्छा दे, ये क्या बात हुई, कोई अच्छा सा नाम बताए, कोई इटली विटली कुछ इसके समय नाम बताए मुझे, इटली पार्ट टू, चिटली रख लो ना या पिकली रख लो। अब मैं जा रही हूँ भाई, चाइना फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, चाइना वाले बेचारे थक गए खड़े खड़े, उनके बारी नहीं आ रही उनकी, नहीं इटली चिटली रख लो, पिटली रख लो। अच्छा एक काम करो, अभी 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 बेलारूस का आया है ना, आप अपना नाम लेना रूस कर दो, हम लेना है और रूस है, नहीं लेना देना तो करना ही नहीं है ना, आप लोग ना बस ऐसे बस आप लोग इसी किस्म की नॉन सीरियस बातें करते हैं, तभी लोग कहते हैं कि कोई सीरियस टॉपिक ही नहीं डिस्कस करते इतनी तो जब साथ होते हैं, तो यही मैं कह रही हूँ, सीरियसली पाकिस्तान के लिए कुछ और नाम बताइए हम बोल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखो ये लड़ाई जो है ना, ये जो चल रही है पाकिस्तानी साइड और टीटीपी में, इसमें जितने भी मत सारे के सारे जन्नत जा रहे हैं, और जन्नत भी तो मिशन है, जब सबका मिशन पूरा हो रहा है तो एवरीबॉडी, इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, है या नहीं। प्रॉब्लम ये
है कि आर्मी के लिए वो जन्नत नहीं जा रहे और उनके लिए ये जन्नत नहीं जा रहे, और कंफ्यूजन ये जन्नत कौन नहीं जा रहा। यार एक मिनट, मैं दुश्मन का वर्जन क्यों चलाऊंगा, मैं अपना वर्जन चलाऊंगा, मेरे हिसाब से मेरा आदमी। नहीं नहीं, मैं जन्नत की बात कर ही नहीं रही हूँ यार, मैं जन्नत की बात कर ही नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ चाइना की। बंदों को आरजू जी आपको 72 रूरे नहीं मिलेगी तो उनको, उनको तो मिलेंगी ना, हम उनकी बात तो कर ही रहे हैं, कितने बंदे मर गए। उनको उनको मिलेंगी, मिलने दें, लेकिन हम बात तो हम चाइना की कर रहे थे ना, लेकिन अब हम चाइना को फिर डिस्कस कर लेंगे, छोड़ दें चाइना को, आप लोगों ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। इंडिया में जब टेररिज्म था ना, 72 ऊपर वोरों ने स्ट्राइक कर दी साले, कैसे कैसे शक्ल के आने लगे या तो यहां से अच्छे अच्छे नहीं, वो लोगों ने बोला कि अच्छा उनको तो हूरे मिलेंगी जो जाएंगे मुल्ला। हूरों को क्या मिलेगा, क्या हूरों को, औरतों को, हूरों को वो सजा मिलेगी तो उन्हें वो मुल्ला मिलेंगे। हूरे अगर यहाँ दुनिया में और वो गलत काम करेंगे तो उनको जाके उनको फिर इस तरह से बांट दिया जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन खैर हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता किसको क्या मिलने वाला है, लेकिन बात ये कि हमारे यहाँ बेलारूस आए हैं और जाते हुए वो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएंगे। ठीक है, अब जो भी देखे जाएंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, और हम उसका इंतजार करेंगे उस खबर का कि उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हो। क्योंकि मैंने हाँ। सुना है आपने एक डैम बनाना शुरू किया, जितने का वो डैम था उससे मतलब जितने का डैम के पैसे इकट्ठे किए उससे ज्यादा तो आपने मार्केटिंग में खर्च कर दिए, यानी उसको कौन से एग्जांपल में रखे, कहीं ऐसा ना हो। सर ये छोटी बातें, छोटी छोटी सोच रख के आप लोग जब ही आगे नहीं बढ़ पाते। आप लोग ये ना हमारी तरह ज्यादा सोचा करें, मतलब जो चीज बनानी है उससे ज्यादा पैसा तो हमारे हर गवर्नमेंट खर्च कर देती है अपने इश्तेहार लगाने। अच्छा वो बेलारूस के डेलीगेशन की एक चीज देख लेना, जब वो वापस जा रहे हो उन्होंने कपड़े तो पहन रखे हैं कि ऐसा ना पत्ते पहन के जा रहे हो, कपड़े बताते हैं उनके पूरा दरख्त लग जाएगा, जो इनका साइज है उसके पीछे तो पूरा पूरा दरख्त के सारे पत्ते लग जाएंगे जिस साइज के यहाँ है। तो इतने दरक भी नहीं है, आप लोगों ने जो अटैक किया था उसमें हमारे 4 दरक और 2 कौवे भी मरे थे, वो भी आपको याद होगा, तो हमारे तो दरक भी इतने नहीं रहे। लेकिन खैर वो हम उधर दे रहे ना चाइना को इसलिए। अरे एक हमारे पास उसे मंगा वहा क्यों नहीं लेते, इंडिया से एक मंगा लो वो सारे गधों की कमी पूरी कर देगा। चाइना को दे दे, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही बहुत है। चाइना उस चाइना ही लेके चाइना को तो आपको तैयार देने को तैयार है, वो जा ही नहीं रहा। अरे यार आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे सारे शो की जैसे कहते हैं ना आप लोगों ने बैंड बजा दी, मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू। बेलारूस के डेलीगेशन के कपड़े देने बस, मुझे लगा वो कहीं पत्तों में जाते नहीं, वो मैं आपको कल बता दूंगी।